तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से सभी सियासी दल, सभी मुख्य दल लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर भी जारी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं। बीजेपी की सरकार ने विकास किया लेकिन कांग्रेस पार्टी में विरोध करने का ही काम लगातार चलता रहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क, IIM मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस देकर हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में IIIT भी है, IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, NIT भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से PGI सैटेलाइट केंद्र और ऐसा ही नहीं 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है।